दोस्तों आज मैं आप सब लोगों के लिए बेस्ट टॉप 5 4G की पैड फोन चुन चुन के लाया हूं। तो दोस्तों अगर अभी आप सब लोगों को 4G की पैड फोन लेना है, 1000 के अंडर में आप बेस्ट 4G की पैड फीचर्स फोन ढूंढ रहे हो, तो आज मैं आप सब लोगों के लिए लेके आ चुका हूं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों मैं आप सब लोगों को बताता हूं एक टॉप 5 4G की पैड फोन के बारे में। अभी 2024 में कौन सा फोन लेना सही रहेगा जिसमें फीचर्स भी अच्छा मिले, प्राइस बजट भी अच्छा रहे और आप सब लोगों को सर्विसेज भी अच्छे देखने को मिले। तो आइए मैं आप सब लोगों को बताता हूं दोस्तों। तो आइए करते हैं वीडियो स्टार्ट। और हाँ दोस्तों, कल करने वाले हैं हम Q&A, तो जितने लोगों का क्वेश्चन होगा कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी चलिए मैं आप सब लोगों को बताता हूँ ये टॉप 5 4G की पैड फोन के बारे में। तो भाई इस टॉप 5 के लिस्ट में फर्स्ट है मेरे पास Ringme का R1 Plus। और इस Ringme R1 Plus में दोस्तों आप सब लोगों को नेक्स्ट लेवल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं भाई। और ये फोन दोस्तों Ringme का R1 Plus आप सब लोगों को 1500 रुपए से भी कम में मिल जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या बॉक्स में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये है भाई Ringme का R1 Plus फोन। यहाँ पे आप सभी लोगों को इस वाले फोन में डुअल 4G का सपोर्ट मिल जाता है भाई। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे फोन देख सकते हैं आप सब लोग, यहाँ पे आप लोगों को कीपैड इसका 3D टेक्सचर में देखने को मिल जाता है। और भाई इस वाले फोन का LED फ्लैश लाइट भाई बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, ये देख सकते हैं काफी ज्यादा ब्राइट है भाई। तो आप इस वाले फोन को लो लाइट में भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ भाई यहाँ पे आप सभी लोगों को कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है। कैमरा भाई डेफिनेटली आप लोगों को बैक साइड में एक स्टाइलिश कैमरा देखने को मिलता है, डिजिटल कैमरा, लेकिन इस वाले फोन में कैमरा देखने को मिल जाता है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों इस वाले फोन में इंटरनेट का भी ऑप्शन है। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोगों को फेसबुक का भी ऑप्शन मिल जाता है। और भाई यहाँ पे आप लोगों को यूट्यूब का भी ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे दोस्तों ब्लूटूथ का भी सपोर्ट है भाई इस वाले फोन में। और दोस्तों इस वाले फोन में ना आप यहाँ पे देख सकते हैं 3000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है दोस्तों। और इसी के साथ भाई यहाँ पे अंदर के साइड में 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं जो डुअल 4G सिम सपोर्ट करता है भाई। और इसके साथ यहाँ पे एक HD कार्ड भी यूज कर सकते हैं जो 128 GB तक सपोर्ट करेगा। तो ये Ringme का R1 Plus फोन भाई आप लोगों को डेफिनेटली एक बेस्ट फोन देखने को मिलता है अभी एक बजट सेगमेंट का 4G की पैड फोन में दोस्तों। ये वाला फोन ना अभी टॉप लेवल भाई परफॉर्मेंस दे रहा है, काफी सारे लोग इस वाले फोन को बाय कर रहे हैं भाई। ये वाला फोन स्टाइलिश होने के बाद इस वाले फोन का प्राइस बहुत ही कम है दोस्तों। यहाँ पे आप सभी लोग को ये वाला फोन 1499 रुपए में मिल जाता है। तो भाई ये है टॉप 5 4G की पैड फोन में से सेकेंड नंबर पे जियो का भारत B1 फोन दोस्तों। ये फोन काफी ज्यादा अभी भाई डिमांडिंग फोन है और काफी सारे लोग इस वाले फोन को बाय कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग को बड़ा डिस्प्ले, बड़ा बैटरी भी देखने को मिल जाता है। और ये एक जियो का फोन है भाई, तो यहाँ पे आप लोग को जियो का सिम प्रॉपर वर्किंग देखने को मिल जाता है। और इस वाले फोन में आप एक डेडिकेटेड जियो का ही सिम यूज कर सकते हैं, आप अलग से कोई भी टेलीकॉम कंपनी का सिम नहीं यूज कर पाएंगे दोस्तों इस वाले फोन में। और भाई इस वाले फोन का प्राइस है 1299 रुपए। तो चलिए इसका एक छोटा सा अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि बॉक्स में आप लोग को क्या क्या चीजें देखने को मिलता है। तो ये है दोस्तों जियो भारत B1 फोन का बॉक्स। यहाँ पे आप सभी लोग को कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों फोन के पीछे के साइड में कुछ स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में बताया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे इसका बॉक्स को ओपन कर लेते हैं दोस्तों। तो भाई ये देख सकते हैं कुछ मेन्यू पेपर देखने को मिल जाता है, वारंटी कार्ड इन्फॉर्मेशन। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे 2.5 वोल्ट का एक चार्जर देखने को मिल जाता है दोस्तों, नॉर्मल माइक्रो टाइप चार्जिंग केबल के साथ में। अब भाई यहाँ पे आप सभी लोग को फोन देखने को मिल जाता है ये। तो भाई यहाँ पे आप लोग को डेफिनेटली ये वाला फोन भाई काफी ज्यादा शानदार देखने को मिलता है। यहाँ पे दोस्तों इस वाले फोन का बैक साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी ज्यादा स्टाइलिश डिजाइन है भाई। और दोस्तों ये जियो का भारत B1 फोन बैक साइड से दोस्तों यहाँ पे आप लोग को मैट डिजाइन में देखने को मिल जाता है। और भाई इस वाले फोन में आप एक सिम लगा सकते हैं जो जियो का सिम काम करेगा, और इसी के साथ एक HD कार्ड भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। और इस वाले फोन में आप सभी लोगों को 2000 mAh का पावरफुल बैटरी भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस वाले फोन में आप सभी लोगों को बैक साइड में 0.3 MP का कैमरा देखने को मिलता है, रियर साइड में दोस्तों यहाँ पे कैमरा नहीं है भाई। तो ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फोन भी ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप सभी लोग इस वाले फोन में काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस वाले फोन में जियो सिनेमा मिल जाता है, जियो पे का सपोर्ट है जिसके मदद से दोस्तों आप पेमेंट लेन देन कर सकते हैं, आप रिसीव एंड सेंड भी कर सकते हैं, QR कोड भी भाई स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे जियो सावन भी देखने को मिल जाता है। और भाई यहाँ पे इंटरनेट का भी ऑप्शन है। और दोस्तों इस वाले फोन में आप सब लोग को 512 MB का रैम और यहाँ पे आप लोग को 4GB का मेमोरी स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। और भाई इस वाले फोन का कीपैड देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को एकदम 3D टेक्सचर में देखने को मिलता है। और ये कीपैड भाई डेफिनेटली आप लोगों को प्रॉपर वर्किंग के साथ में मिलेगा।
यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोफोन भी ऊपर के साइड में देखने को मिल जाता है, और इस फोन में आप लोगों को बिग डिस्प्ले देखने को मिलता है दोस्तों, 2.4 इंच का क्यूविजेट टीएफटी डिस्प्ले। और दोस्तों ये वाला फोन आप लोगों को आसानी तरीके से सभी जगह पे देखने को मिल जाएगा, लिंक भी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो अब दोस्तों ये है टॉप 5 के लिस्ट में 3 नंबर पे आइकल का K20 Pro। आइकल का भाई आप लोगों को बहुत सारे 4G की पैड फोन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये आइकल का K20 Pro भाई एक डिफरेंट टाइप का 4G की पैड फोन है। मैं आप लोगों को सारे चीज दिखाता हूँ इस फोन के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इस फोन का प्राइस भाई आप लोगों को 1500 के करीब में ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों इस वाले फोन में डुअल 4G का सपोर्ट है, और भाई यहाँ पे आप लोगों को डुअल LED टॉर्च लाइट भी देखने को मिल जाता है, और इसी के साथ दोस्तों इस वाले फोन में बड़ा सा बैटरी और बड़ा सा डिस्प्ले भी है। तो चलिए करते हैं दोस्तों इस वाले फोन का एक छोटा सा अनबॉक्सिंग। तो ये है भाई आइकल K20 Pro का बॉक्स आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और आइकल ब्रांड भाई 8 इयर्स का ट्रस्टेड ब्रांड है। यहाँ पे आप लोग को आइकल का K20 Pro डुअल 4G के सिम के साथ में देखने को मिल जाता है। भाई इस वाले फोन में ना आप लोग को दिखाता हूँ क्या क्या चीजें देखने को मिलता है। तो भाई ये देख सकते हैं इस टाइप से पैकेजिंग में भाई यहाँ पे आप लोग को एक बड़ा सा बैटरी 2500 mAh का, और इसी के साथ भाई आप लोगों को यहाँ पे फोन देखने को मिल जाता है कुछ इस टाइप से। यहाँ पे दोस्तों बॉक्स में आप लोग को और भी चीजें देखने को मिल जाते हैं। तो ये रहा भाई फोन के साथ में कुछ क्विक स्टार्ट गाइड यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे दोस्तों एक नॉर्मल सा चार्जर देखने को मिल जाता है, माइक्रो टाइप चार्जिंग पोर्ट के साथ में आता है दोस्तों, और ये चार्जर पुराने फोन जैसे ही आप लोग को मिलता है। लेकिन भाई यहाँ पे आप लोग को फोन देख सकते हैं भाई, डेफिनेटली एक डिफरेंट टाइप का फोन मिल रहा है भाई आइकल का K20 Pro। यहाँ पे दोस्तों ऊपर के साइड में डुअल LED टॉर्च लाइट है, और भाई बैक साइड में भी आप लोगों को एक फ्लैश लाइट देखने को मिल जाता है, डिजिटल कैमरा भी है दोस्तों। और इस वाले फोन में भाई आप दो सिम कार्ड लगा सकते हैं, और दोनों सिम भाई यहाँ पे 4G डुअल के साथ में आता है। यहाँ पे दोस्तों एक SD कार्ड भी लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप 128 GB तक का लगा सकते हैं भाई। यहाँ पे बैटरी लगा करके एक बार ना मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, चलो ये रहा, ये देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को डेडिकेटेड एक स्लाइड बटन देखने को मिल जाता है इस LED टॉर्च लाइट के लिए भाई, ये देख सकते हैं। इमरजेंसी में आप इसको ऑन भी कर सकते हैं दोस्तों, और इसी के साथ में यहाँ पे आप लोग को टॉप ब्रांड का ये 4G की पैड फोन देखने को मिलता है। और इस वाले फोन का डिस्प्ले भाई यहाँ पे आप लोग को 2.4 इंच का बिग डिस्प्ले देखने को मिलता है। की पैड भाई यहाँ पे आप लोग को डेफिनेटली एक डिफरेंट टाइप का देखने को मिलता है दोस्तों। इस वाले फोन में भाई यहाँ पे आप लोग को गेम देखने को मिल जाता है, व्हाट्सअप का भी ऑप्शन है भाई, यहाँ पे आप लोग को फेसबुक भी देखने को मिल जाता है, और इसी के साथ इंटरनेट का भी ऑप्शन है दोस्तों। और भाई आप लोग को काफी सारे और भी फंक्शन देखने को मिल जाते हैं इस वाले फोन में। और भाई इस वाले फोन का प्राइस आप लोगों को 1500 से 1600 के करीब में मिल जाता है दोस्तों, तो आप चेकआउट कर लेना। तो भाई ये है अब नेक्स्ट फोन जियो का भारत V2 फोन, और ये फोन दोस्तों इंडिया का टॉप मोस्ट डिमांडिंग 4G की पैड फोन है भाई। ये वाला फोन ना दोस्तों आप लोगों को 1000 रुपए में मिल जाता है, और इससे भी कम में देखने को मिल जाता है दोस्तों। और ये जियो भारत V2 फोन दोस्तों आफ्टर ऑफर के बाद में आप लोगों को 900 रुपए में भी देखने को मिल जाता है। और ये भाई जियो का भारत V2 फोन वर्ल्ड का एक चीपेस्ट 4G की पैड फोन है भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले करते हैं इस वाले फोन का अनबॉक्सिंग। वैसे दोस्तों ये फोन 2023 में ही आया हुआ था, लेकिन भाई यहाँ पे इस टॉप 5 के लिस्ट में ये फोन भी जुड़ चुका है। तो चलिए दिखाते हैं आप सब लोगों को। तो इस जियो भारत V2 4G की पैड फोन का बॉक्स दोस्तों कुछ इस टाइप से आता है भाई। इस वाले बॉक्स को ओपन करना भी भाई बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो चलिए ना यहाँ पे एक बार ओपन कर लेते हैं भाई। तो ये रहा दोस्तों फोन के साथ में कुछ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप लोग को विथ लव फ्रॉम जियो लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, एक सिल्का जेल भी मिल जाता है भाई, और एक यहाँ पे 1000 mAh का पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाता है इस फोन के लिए भाई। और इसके साथ यहाँ पे 2.5 W का एक चार्जर मिल जाता है नॉर्मल माइक्रो टाइप चार्जिंग केबल के साथ में। अब भाई यहाँ पे फोन है, ये देख सकते हैं फोन भाई डेफिनेटली आप लोग को एक कॉम्पैक्ट साइज में आप लोग को यहाँ पे डिफरेंट टाइप का देखने को मिलता है। इस वाले फोन में भाई यहाँ पे आप लोग को 1.77 इंच का की विजेट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और वह पूरा ही फ्लैट इसका कीपैड देखने को मिल जाता है, ये देख सकते हैं। और ये कीपैड भाई अल्फाबेटिक है, तो आप यहाँ पे इंग्लिश में टाइपिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। और इस वाले फोन में यहाँ पे डेडिकेटेड बैक साइड में आप लोग को कैमरा देखने को मिल जाता है 0.3 MP का, और भाई यहाँ पे पीछे के साइड में एक स्पीकर भी है, ऊपर के साइड में LED टॉर्च लाइट भी देखने को मिल जाता है दोस्तों। और इस वाले फोन में आप एक जियो का सिम लगा सकते हैं, ओनली फॉर जियो का सिम काम करेगा भाई, अलग से आप कोई भी टेलीकॉम कंपनी का कोई भी सिम लगाएंगे तो काम नहीं करेगा। और इस वाले फोन में 128 GB तक का SD कार्ड सपोर्ट करता है दोस्तों। और ये फोन भाई बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट साइज में है, और आफ्टर ऑफर के साथ में आप लोग को ये वाला फोन 900 रुपए में भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों फोन भी ओपन हो चुका है, इसका लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको स्किप करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, स्किप करते हैं, ये देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है सेटअप।
यहाँ पे दोस्तों इस वाले फोन में आप लोगों को जियो पे का सपोर्ट मिल जाता है, तो आप जियो पे का सपोर्ट से भाई पेमेंट रिसीव एंड सेंड कर सकते हैं, QR कोड भी स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ यहाँ पे भाई जियो सिनेमा भी देखने को मिल जाता है। इस वाले फोन में आप लोग को इंटरनेट का भी ऑप्शन मिल जाता है भाई, और इसके साथ इस वाले फोन में सेटिंग भी काफी सारी चीजें देखने को मिल जाते हैं। और ये फोन दोस्तों दुनिया का चीपेस्ट 4G की पैड फोन है भाई। अभी इस टॉप 5 के लिस्ट में ये फोन भाई डेफिनेटली जुड़ चुका है, तो आप इस वाले फोन को भी चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप इस वाले फोन को जरूर चेकआउट करना। तो भाई ये है टॉप 5 का लिस्ट का लास्ट फोन, भारत कार्बन K1 4G फोन। दोस्तों ये वाला फोन आप लोगों को जियो भारत V2 जैसे ही देखने को मिल जाता है। आप सभी लोगों को दोस्तों पूरा सेम फीचर्स देखने को मिल जाता है, प्राइस भी आप लोगों को डेफिनेटली सेम देखने को मिलता है दोस्तों। और ये दोनों फोन आप लोगों को एक ही जगह पे देखने को मिल जाता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टोर पे आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये सारे फोन दोस्तों अभी जो मैं आप लोगों को टॉप 5 4G की पैड फोन दिखाया 2024 में, भाई इन सारे 4G की पैड फोन को आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोग को लिंक मिल जाएगा भाई, और आप कमेंट करके बताना आप सभी लोग को इन टॉप 5 4G की पैड फोन में से कौन सा फोन बेस्ट लगा। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि उनको भी एक 4G की पैड फोन लेने में थोड़ा हेल्प हो जाए। ठीक है, तो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।